मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। वे हेलीकॉप्टर के माध्यम से सीसू हेलीपैड पहुंचे और उपायुक्त राहुल कुमार से वर्षा से हुए नुकसान के बारे में जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को सड़क बहाली के कार्यों में तेजी लाने और फंसे हुए पर्यटकों को प्राथमिकता के आधार पर बाहर निकालने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चंद्रताल क्षेत्र में हालात ठीक नहीं है और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी और सड़क मार्ग से चंद्रताल इलाके में जाकर राहत कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है। चंद्रताल इलाके में लगभग 300 पर्यटक फंसे हैं और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया है। इलाके में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। हालात अभी काफी मुश्किल भरे हैं। हमारी टीम प्रयास कर रही है, मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से खुद भी जुड़ा हूँ और आज हमने वहाँ दो मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी है, जगत सिंह नेगी और संजय अवस्थी, जो आज पैदल ही चंद्रताल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और मैंने खुद देखा है बड़ी स्थिति चंद्रताल में अच्छी नहीं है। हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे और जो स्पीति में सभी टूरिस्ट निकाल लिए गए हैं, सिर्फ 20-25 गाड़ियां बची हैं, वो भी हम जो सिसु और पागल नाला के तेंदी नाला के पास फंसी थी उनको निकालने का काम जारी है। जो अभी बच्चे फंसे हैं उनको अब हम 2 घंटे में ही अभी निकाल देंगे और मेरा मानना है कि पूरे हिमाचल में बहुत बड़ी तबाही हुई है। इस तबाही के मौके पर मैं हिमाचल की जनता से ये भी अपील करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा सरकार का साथ दीजिए। अभी हमारे सबसे पहले जो हमारे घर में मेहमान आए हैं, हमारी सरकार का पूरा ध्यान है कि उन मेहमानों को सही सलामत उनके घर तक पहुँचाया जा सके।